इस्लामाबाद से नामालूम अफराद के हाथों अगवा होने वाले मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ेकार मतीउल्लाह जान फतेह जंग के करीब से बाजियाब हो चुके हैं। अगवाकार उन्हें कहाँ लेकर गए और रिहाई से पहले उन्होंने मतीउल्लाह जान को क्या कहा, मारूफ सहाफ़ी ने सारी कहानी खोल कर बयान कर दी। मारूफ गैर मुल्की वेबसाइट उर्दू न्यूज़ को दिए जाने वाले खसूसी इंटरव्यू में मतीउल्लाह जान का कहना था कि अगवाकारों ने उन्हें रात 11 बजे के करीब फतेह जंग के पास सड़क पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। अगवाकारों ने उन्हें छोड़ने से पहले उनके घर वालों को फ़ोन किया कि वो उन्हें आकर ले जाएं, जबकि अगवा करने के बाद उन्होंने मुझे जाए वकूह के कहीं करीब ही रखा था और फिर शाम को वहां से निकालकर फतेह जंग के करीब सड़क पर छोड़कर चले गए। वाज़े रहे कि गुज़श्ता रोज़ सुबह 10 बजे के करीब इस्लामाबाद में गर्ल्स स्कूल के सामने से नामालूम अफराद ने ज़बरदस्ती मतीउल्लाह जान को गाड़ी से उतार कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद मुल्क भर की सहाफ़ती और सियासी और हकूमती वज़रा ने मतीउल्लाह जान की मुबैना अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया था। दूसरी तरफ रात गए थाना आबपारा में मतीउल्लाह जान की गुमशदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी।